Hello students, myself Dr. S.S. Chauhan and you are welcome to my YouTube channel Chauhan Maths. In this video, I am presenting the simplified proof of Rolle's theorem. Proof of Rolle's theorem is very important with the point of view of examination also. Ye Rolle's theorem hai. और सभी मीन वैल्यू थ्योरम्स की ये पेरेंट थ्योरम है. ये प्रूफ हमारे साथ ध्यान से सुनिए, समझिए, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा. आप इस नोट्स की कॉपी बना लेना और एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे. और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट जनरली बच्चों को याद होती है. हम स्टेटमेंट यहाँ रीड कर रहे हैं. इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज नंबर वन कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एफ ए इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो. ये जो हमने स्टेटमेंट रीड की, इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी बनता है. मीनिंग इसका ये है, देखो मीनिंग आपको समझाता हूँ. यहाँ पर हमारे साथ हो लीजिए तो पता लग जाएगा. इस मीनिंग को समझने के लिए हमें इस ग्राफ की ज़रूरत है, इस वाले की. इसमें लिखा है फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अगर आप ध्यान से देखें, हमने एक ऐसा ग्राफ ये सेलेक्ट किया जो कि ए और बी, एक्स इक्वल टू ए ये वाला पॉइंट है, एक्स इक्वल टू बी ये वाला पॉइंट है. तो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू बी पर कंटिन्यूस और ए बी के बीच में ईच पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है. ये देखो कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है बीच में और इसलिए कंटिन्यूस है. तो रोल्स थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो. फिर ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. एक्स इक्वल टू ए जो ये पॉइंट है इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो चल जाएगा. मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो अच्छी बात है और डिफरेंशिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं. इसी तरह एक्स इक्वल टू बी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बहुत अच्छा, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. बट इन बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल ये प्रेजेंट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसके अंदर वी टर्न नहीं है. जहाँ वी टर्न होते हैं ना, ऐसे वाले वी टर्न, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. वी टर्न किधर भी होगा वहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है. तो हमने एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट किया जिसमें यू टर्न है, वी टर्न नहीं है. यू टर्न पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, वी टर्न पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है. तो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम के, एफ ए इक्वल टू एफ बी. ग्राफ हमने इस तरह का सिलेक्ट किया कि ये जो एफ ऑफ ए, ये हाइट और ये हाइट वो ऑलमोस्ट इक्वल हो. तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है. तो रोल्स थ्योरम का क्लेम है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रियल नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है. इस फिगर में वो नंबर यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी, कम से कम एक नंबर सी ऐसा लाई करता है ए बी के बीच में जहाँ पर एफ डैश सी जीरो होता है. ये पॉइंट को एक्स इक्वल टू सी कहते हैं और यहाँ पर एफ डैश सी जीरो का मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एफ डैश सी जीरो का मीनिंग क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो. एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मीनिंग है टेंजेंट एट सी हैज ज़ीरो स्लोप और जीरो स्लोप वाली कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है. इस तरह से हमने स्टेटमेंट रीड करते करते
आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का आइडिया दिया कि इस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में दो केस हैं। वन केस है एफएक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर एफएक्स फंक्शन एफएक्स कांस्टेंट फंक्शन है लाइक दिस, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ वाई इक्वल टू सी टाइप वाई इक्वल टू के टाइप एफएक्स इक्वल टू के टाइप का होता है। अगर एफएक्स कांस्टेंट फंक्शन है फिर तो इसका डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा। एफएक्स इक्वल टू के तो इसका डेरिवेटिव सभी जगह जीरो है। x इक्वल टू ए पर ये डिफाइंड और कंटिन्यूस, x इक्वल टू बी पर ये डिफाइंड और कंटिन्यूस है, और एफ डैश एट के एफ डैश एट एक्स विल बिकम जीरो, तो एफ डैश एट सी भी जीरो हो जाएगा। जब एवरी x के लिए ये जीरो है तो एफ डैश एट सी भी जीरो हो जाएगा, और थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। तो यहाँ पर केस वन में हमने प्रॉपर प्रूफ लिखा हुआ है। फंक्शन एफएक्स इज कांस्टेंट, एफएक्स कांस्टेंट फंक्शन है फिर तो डेरिवेटिव जीरो हो गया और एफ डैश सी भी जीरो हो गया, और इसलिए रिजल्ट इज ट्रिवियल इन दिस केस। इसमें ज़्यादा कुछ प्रूव करने के लिए जैसी कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू प्रूव हियर। अब केस टू जो इसका मेन केस है वो है ये केस टू को ध्यान से देखो। जब एफएक्स कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो फंक्शन जीएलबी और एलयूबी अटेन करेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। एफएक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एबी, और कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है, और इसलिए ये बाउंडेड भी होगा, और इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जी एल बी और एल यू बी अटेन करेगा। ये एल यू बी क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जी एल बी क्या है? लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये आपका जो फंक्शन है वो ए बी के बीच में जी एल बी और एल यू बी अटेन करेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा ग्राफ के बेस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ में आ जाए आपको। ये पॉइंट आप एक्स इक्वल टू ए रख लीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है इसी की हाइट का यहाँ पर x इक्वल टू बी रख लीजिए, ये वाला पॉइंट। तो ये एफ ऑफ ए हुआ, और ये जो हाइट है वो एफ ऑफ बी हो गई, ये वाली हाइट। ये इक्वल हाइट्स है। अब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसे एल यू बी कहते हैं, इस हाइट को, मैक्सिमम वैल्यू को इसे एल यू बी कहते हैं। इस हाइट को याद रखना, इसे हम कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसे एफ ऑफ सी भी ले सकते हैं, सी पॉइंट ले सकते हैं कि सी पर ये मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है। इसी तरह इस मैक्सिमम हाइट को क्या बोलते हैं? एल यू बी बोलते हैं। इसी तरह ये वाली जो हाइट है वो मिनिमम हाइट है, स्मॉल m। अगर इसे d रख दूं तो इस मिनिमम हाइट को स्मॉल m f ऑफ d बोलेंगे, और इसी को जी एल बी कहते हैं। तो जी एल बी एल यू बी वर्ड इस वाले कंटेक्स्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। वैसे तो इन वर्ड्स का और भी मीनिंग्स होते हैं, पर इस कंटेक्स्ट में एल यू बी जी एल बी का ये मीनिंग है जो सामने है। Here f is continuous in closed interval ab, क्योंकि closed interval ab में ये continuous है, और इसलिए ये function कैसा होगा? Bounded होगा। Bounded मतलब इसकी value कहीं भी infinite नहीं होगी। And attains its lub glb in closed interval ab, और closed interval ab में इसका एक glb
एग्जिस्ट करेगा, ये मिनिमम वैल्यू, और एक एलयू भी, लीस्ट अपर बाउंड, इसे जीएल भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये लीस्ट अपर बाउंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी अटेन होगी सी पर, और मिनिमम वैल्यू इसकी अटेन होगी फॉर एग्जाम्पल डी पर। तो ये एक सेंटेंस मैंने काफी आपको क्लियर करके दिया। अब आगे कहते हैं कि अगर एफ कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो बट वन एटलीस्ट वन ऑफ दीज बाउंड्स, ये जो एल यू बी जी एल बी है, ये दो के दोनों एफ ए एफ बी के इक्वल इस वाले केस में नहीं हो पाएंगे। जी एल बी और एल यू बी दोनों भी एफ ए और एफ बी के इक्वल एक साथ नहीं होंगे। ये इस सेंटेंस में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल क्लियर है कि एफ ए और एफ बी तो इक्वल है, तो ये जी एल बी और एल यू बी एक साथ इक्वल वैल्यूज एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये कि जी एल बी एफ ए एफ बी से अलग होगा, नहीं तो एल यू बी, ये एल यू बी, एल यू बी एफ ए एफ बी से अलग होगा, नहीं तो जी एल बी एफ ए एफ बी से अलग होगा। इनमें से कम एक जी एल बी एल यू बी से अलग होगा। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एल यू बी कैपिटल एम वो एफ ऑफ सी तो है, लेकिन ना तो ये एफ ए के इक्वल है ना ही ये एफ बी के इक्वल है, क्योंकि कम से कम एक बाउंड एफ ए एफ बी से अलग होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, ये जी एल बी एल यू बी और कांस्टेंट फंक्शन सब इक्वल हो जाते हैं। देखो कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा हो जाता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू के, तो इसमें ये मान लो ये जी एल बी है, ये एल यू बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, ये सारी आइटम इक्वल हो जाती हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो इसमें कैपिटल एम या स्मॉल एम में से कोई एक एफ ए एफ बी से अलग होगा। तो अज्यूम दैट एल यू बी इज एम, हमने अज्यूम कर लिया कि कैपिटल एम जो कि एफ ऑफ सी के इक्वल है और वो एफ ए एफ बी से अलग है, ये हमने अज्यूम कर लिया। एफ ऑफ सी एफ ए के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो ए के इक्वल नहीं है और सी बी के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, आपकी थ्योरम में सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी होना चाहिए। तो इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन पैदा होता है कि ये क्यों करने लग गए, ये इसलिए करने लग गए कि आपको C belongs to open interval AB justify करना था। So, उसके लिए ये लॉजिक है कि कैपिटल M जिसे FC लिया जाए और वो FC FA FB से अलग होगा, एज ए रिजल्ट C A या B से अलग होगा, एज ए रिजल्ट C जो है ओपन इंटरवल AB में लाई करता है। अब हम एफ डैश सी इक्वल टू जीरो प्रूव करने चलते हैं, जो इसका मेजर मेन पार्ट है और बहुत ही इजली समझेंगे। यू बी विद मी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर रहिए आप। अब हम इसमें एक सिर्फ मैक्सिमा तैयार कर रहे हैं जो आपको समझ में आ पाए। ये देखिए ये जो हाइट है यही कैपिटल एम आपने लिया हुआ है, इस हाइट को कैपिटल एम लिया हुआ है, ये एफ ऑफ सी है इस, और ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, इसके जस्ट लेफ्ट की जो ये हाइट है ये वाली, ध्यान से देखे रहना, अगर इसे हम एच ले लें, इस विथ को एच ले लें, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, एज ए रिजल्ट ये चीज हो जाएगी एफ ऑफ सी माइनस एच, ये वाली चीज, और ये एफ ऑफ सी माइनस एच स्मॉलर होगी और एफ सी ग्रेटर होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, एल यू बी है, लीस्ट अपर बाउंड है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो एफ ऑफ सी माइनस एच कैसा होगा, एफ सी से लेस होगा और एट मोस्ट ये इक्वल हो सकता है। और ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन और इक्वल टू एफ सी होगा, इक्वेशन टू में देख सकते हो। इसी तरीके से इधर आ जाइए, ये विथ इधर वाली विथ फिर आप एच, एच इज वेरी स्मॉल, एच ले लीजिए तो यहाँ पर सी प्लस एच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, सी प्लस एच, और ये हाइट हो जाएगी एफ ऑफ सी प्लस एच, जबकि ये वाली हाइट एफ ऑफ सी थी। तो एफ ऑफ सी प्लस एच कैसा होगा, स्मॉलर होगा, वो मैंने इक्वेशन नंबर वन में लिख रखा है, एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन और इक्वल टू एफ सी। तो जब जब एम इक्वल टू एफ सी होगा उस टाइम पर एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन और इक्वल टू एफ सी होंगे और एफ ऑफ सी माइनस एच विल ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू एफ सी, क्योंकि एफ सी मैक्सिमम वैल्यू है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए ये जो दो रिमेनिंग हाइट्स हैं ये वाली वैल्यूज ये स्मॉलर होंगी। और स्मॉलर होने का मतलब देखो यहां पर मैं और लिखता हूं, थोड़ा सा समझो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा ये, इसी तरह ये एफ ऑफ सी माइनस एच, ये चीज का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ये भी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो प्रूव करने में। अब हम आर एफ डैश एट सी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी डिफाइन करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर आप देख रहे हो ये लेस देन जीरो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ आपको एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लेस देन जीरो है, जबकि एच कैसा है पॉजिटिव विथ ऑफ इंटरवल, यहाँ ग्राफ में देख सकते हो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ ऑफ इंटरवल, हाउएवर एच इज वेरी स्मॉल। तो आर एफ डैश एट सी में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच में जो न्यूमरेटर है वो लेस देन जीरो है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसलिए आर एफ डैश एट सी लेस देन और इक्वल टू जीरो हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर लेस देन और इक्वल टू जीरो है, डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, तो इसलिए आर एफ डैश एट सी हुआ लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब एल एफ डैश एट सी को देखें, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये डेफिनेशन है एल एच डी की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये इधर वाला एल एच डी है और इधर वाला ये आर एच डी है। तो एल एफ डैश एट सी डिफाइंड एज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच बाई एच, ये जो एफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच ये चीज पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो ये चीज नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी नेगेटिव है, और लेकिन ये उसका उसका अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ सी माइनस एच कैसा है, लेस है, एफ सी कैसा है, मोर है, तो मोर माइनस लेस कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो इसलिए एल एफ डैश एट सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप कहते हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, हमें पता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए एल एफ डैश एट सी आर एफ डैश एट सी दोनों इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने चाहिए दैट इक्वल वैल्यू इज जीरो, एल एफ डैश एट सी इक्वल टू आर एफ डैश एट सी इज इक्वल टू जीरो। और इन दोनों का मीनिंग है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी। इस तरह से आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई, इसी के बीच में मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बीच में बिगिनिंग में ही बता दिया था, और थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई, एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसको पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, और ये बुक की कॉपी नहीं है, ये हमारे लेक्चर नोट्स हैं, सिंप्लीफाइड प्रूफ है, इसमें टाइम थोड़ा ज़रूर ज़्यादा लगाया हुआ हमने, टाइम इसीलिए लगाया हुआ कि एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।